नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल भास्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए से शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो हमारी आवाज़ है वो कम आ रही है क्योंकि हमने कोई माइक नहीं लगाया है, क्योंकि हमारे मोटर के हमारे मोबाइल के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है सॉफ्टवेयर का, इसीलिए वो माइक डिटेक्टर नहीं कर पा रहा है, आवाज़ कम ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसे आपको कुछ दिन के लिए सहना होगा, ठीक है, और इसीलिए मैं मोबाइल के नज़दीक खड़ा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोटर के बुशिंग के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोटर की बुशिंग क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बुशिंग खराब है, और जिसको इसके बारे में पता नहीं वो पहचान भी नहीं पाएगा कि मोटर की बुश खराब है। अगर थोड़ा सा दिमाग का लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। जो वाइंडिंग का काम करते हैं उनको पता है कि बुश कैसे पहचानते हैं, जो गई है या खराब है या अच्छी है, तो वो तो जान लेते हैं। लेकिन जो नए जो होते हैं वाइंडर, उनको समझ में नहीं आता, जो अभी अभी काम स्टार्ट किया है तो उनको समझ में नहीं आता कि लोग कहते क्या है कि ये बुशिंग गया है, ये गया है, वो गया है, और ये कैसे पहचानते हैं। वो दिखता भी नहीं है बुश गया जैसा, लेकिन फिर भी कहते हैं इसको बुश गया। तो यही एक मेन लॉजिक है इसके अंदर, इसीलिए आज वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बुश के बारे में जान लेते हैं। बुश जो होती है वो बनी होती है पीतल की, और जो हमारा रोटर रहता है, जो सबसे मेन पार्ट रहता है रोटर, और उसका जो स्लीव रहता है वो बना रहता है स्टील का। यानी कि दोस्तों इस मोटर के अंदर ये जो हमारा स्टेटर रहता है और रोटर रहता है, ये दो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मोटर के अंदर। पीतल की बुशिंग का क्या काम होता है कि रोटर को स्टेटर के बीचों बीच रखे, उसको स्टेटर को घिसने ना दे, ये इसका मेन कारण होता है। अभी हम अगर बात करेंगे कि रोटर के और स्टेटर के बीच में की गैप की, तो बहुत ही कम गैप होता है, कुल मिला के टोटल 1 या 1.5 mm का गैप हो जाएगा। अगर आप एक चींटी को एक साइड से छोड़ देते हो तो वो एक साइड से दूसरी साइड मोटर के जा नहीं सकती, स्टेटर के और रोटर के बीच में इतना कम गैप होता है, यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच में इतना कम गैप होता है कि पूछो मत। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि स्टेटर के अंदर की वायरिंग निकाल लीजिए और उसके अंदर रोटर डाल के देखिए उसके अंदर कितना गैप रहता है, कुछ भी गैप नहीं रहता, बस 1 या 2 mm बहुत हुआ। और ये गैप इतना कम क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारी वायरिंग रहती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और हमारा जो रोटर होता है उसको डिटेक्ट करते उसके पीछे घूमता है, इसीलिए उसके अंदर कम से कम गैप दिया गया है। अगर ज्यादा से ज्यादा गैप दिया गया होता तो क्या हो जाता, वो जो रोटर है उसको ज्यादा ताकत नहीं मिलती, यानी कि आप जानते हो कि पानी खींचना कोई आसान बात नहीं। अगर हम स्टेटर के और रोटर के बीच में अगर गैप रखते तो ये नहीं हो पाता, इसीलिए हम क्या करते हैं कि रोटर और स्टेटर को बहुत ही नजदीक रख देते हैं। आपने जान लिया कि बुशिंग क्यों होती है, बुशिंग का क्या काम है कि रोटर को स्टेटर के बीचों बीच रखे, स्टेटर को बिल्कुल भी घिसने ना दे, ये काम होता है बुशिंग का। अभी इस वीडियो के अंदर हम कुछ सैंपल देखेंगे जिससे आप जान सकोगे किसकी हम पहचानेंगे कैसे किसके बुश खराब है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जान लेंगे। अभी हम थोड़ा सा सैंपल दिखाएंगे। ये जो बुशिंग होती है इसका काम जो होता है मेन वो लेथ मशीन के ऊपर होता है, जब हम लेथ मशीन के ऊपर जाते हैं तभी इसका काम पूरा हो जाता है। ये कोई हमारा काम नहीं है कि हम उसको लाया और बिठाया, तो ऐसे भी कुछ रेडीमेड बुश मिल जाते हैं कि हम लाके उसको बिठा सकते हैं, लेकिन इसकी भानगढ़ में बिल्कुल भी मत पड़ेगा। हम नए बुश लेंगे, उस हाउसिंग के अंदर फिक्स करेंगे, लेथ मशीन के ऊपर लगा के उसका कट निकालेंगे, रोटर के साइज का बना देंगे उसको, तब हमारा काम चलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे जो एक V6 समर्सिबल का मोटर पड़ा है तो वहाँ उसके देखेंगे हम, बुशिंग उसकी जा चुकी है, तो आपको दिखाता हूँ मैं कितनी बुशिंग जा चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टेटर घिस चुका है, ठीक है, तो ये साइड में थोड़ा सा अच्छा है और यहाँ पे ज़्यादा घिस चुका है, यानी कि ये बुशिंग ज़्यादा जा चुकी है, इससे इसकी भी जा चुकी है लेकिन थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा घिसा है, इसलिए इसकी बुशिंग इधर की ज़्यादा जा चुकी है, क्योंकि इधर इनबैलेंस हो गया है इसका। ये जो दो हाउसिंग है पूरे बुशिंग जा चुकी है इसकी, मैं दिखाता हूँ आपको कितने जा चुके हैं इसको। तो खड़ा रख देते हैं, ठीक है, खड़ा रख देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 mm का गैप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 mm का गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखिए ऐसा इस तरह हिलता है, इस तरह हिलना नहीं चाहिए ये हाउसिंग बिल्कुल भी, इस तरह ये जरा सा भी हमारे बाल के बराबर भी नहीं हिलना चाहिए, तो ये इतना हिल रहा है
और यहाँ पे 2 mm का गैप पड़ रहा है, इसलिए इसकी बुशिंग टोटल जा चुकी है। अगर यहाँ पे 1 mm का या फिर आधा mm का भी गैप पड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुशिंग खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा इतना हिल रहा है, तो ये स्टेटर इतना हिलने के बाद ये रोटर स्टेटर को घिस चुका है। तो आप समझ लीजिएगा कितने बुशिंग जाने के बाद इसको बुशिंग नया लगाना चाहिए। तो बहुत खराब हो चुके हैं बुशिंग। अगली देख लेते हैं, ये जो था ये बेरिंग साइड का था, अभी इसका अगला देख लेते हैं बुशिंग। यह अगला है और ये देखते हैं कितना हिलता है। आप यहाँ पे देख लीजिए बुशिंग को, तो यहाँ पे सिर्फ आधा mm हिल रहा है, आधा mm, यहाँ पे ये सिर्फ आधा mm हिल रहा है, यानी कि इसकी बुशिंग थोड़ी सी जा चुकी है, लेकिन जा चुकी है। अभी ये दोनों को भी बुशिंग लगाना पड़ेगा नया। ठीक है, तो अभी इसका लेथ मशीन का काम है, रोटर घिस चुका है और इसके मोटर के स्टेटर भी खराब हो चुके हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 स्लॉट को इफेक्ट हो चुका है, जो कि ये बेरिंग साइड की है। और मैंने इसको, ये बहुत खराब हो चुका था, इसको मैंने रिपेयर कर दिया है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ठीक है, ये थोड़ा सा था इसलिए ये रिपेयर हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे फिनिशिंग इसकी किस तरह है, इसकी देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। लेकिन ये जो था यहाँ पे हिल चुका है, जिसको आप लोग स्टैंपिंग वगैरह कुछ भी कहते हो, तो ये यहाँ पे हिल चुका है। ठीक है, तो इसकी मोटर की बुशिंग खराब हो चुकी है, तो अभी इसको मशीन के ऊपर ले जाके लगाना होगा नया। मैंने इस रोटर के पूरे हाउसिंग निकाल दिए हैं, आप देख सकते हो ये। ठीक है, अब इसके अंदर एक पीतल की बुशिंग है, आप देख सकते हो ये भी पूरी घिस चुकी है। बहुत लंबा बुश था फिर भी खराब हो चुका है। इसके अंदर 3 बुशिंग डाले हैं फिर भी खराब हो चुका है, और इसके अंदर 2 हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, ये हमने रिपेयर किया था पिछले वक्त, लेकिन फिर भी इसका जल्दी बुशिंग जा चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये इस तरह घिस चुका है ये, और ये भी देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है। और शाफ्ट देखेंगे तो शाफ्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, ज़्यादा घिसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पर का भी अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रोटर घिस चुका है, और इसके अंदर के जो तार होते हैं, जो इसके अंदर बार होते हैं, कॉपर के ही बार होते हैं, इसके अंदर हम जिस तरह मोटर के अंदर वाइडिंग करते हैं उस तरह इसके अंदर भी वाइडिंग ही कहो उसको, इसके अंदर बार डाले जाते हैं, तो ये भी बार इसके अंदर दिख रहे हैं। इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं मोटर के ऊपर, बार दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अच्छा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो इस बुशिंग को अभी नए बुशिंग लगाने होंगे पीतल के, और इसके ऊपर लेथ की मशीन के ऊपर काम करना होगा इसका। ठीक है, तो इस हाउसिंग के अंदर के हमने बुश निकाल दिए हैं, अभी इसके अंदर नए बुशिंग डाल के इसका लेथ मशीन के ऊपर इसका कट निकालना होगा, यानी कि शाफ्ट के माप में लगाना होगा इसको। मशीन के ऊपर बुशिंग का काम करने के बाद नए बुश आपको ऐसे दिखेंगे। इसके बुशिंग हमने रिपेयर कर दिए हैं इस रोटर के, तो आप देख सकते हो इस हाउसिंग के अंदर आप नए बुश लगे हैं, आप देख सकते हो इस तरह। ठीक है, तो दोनों के दोनों लगे हैं, तो ये जो है हाउसिंग, तो ये अगला वाला है, फिर से देखते हैं अभी हमने कितना गैप कम कर लिया है। तो ये देख लीजिए इसके अंदर डाला, तो ये हिलता है क्या, देखिए यहाँ पे आपको कुछ गैप दिखता है, देखिए बुश के और शाफ्ट के बीच में कुछ भी नहीं, जितना भी हिलाओ हिलेगा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ का देख लेते हैं नीचे वाला हाउसिंग, तो ये तो आसानी से जा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी बुशिंग बहुत जा चुकी थी, अब देखिए कितना क्लियर हुआ, अब देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हिलता, मैं हिल रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा, हमारे बाल के बराबर भी नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो इसकी बुशिंग टोटल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इस तरह ये बाल के बराबर भी यहाँ पे गैप नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसके शाफ्ट के और पीतल बुश के बीच में। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमें अभी एक V6 सबमर्सिबल मोटर का रोटर देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बेरिंग हिल रही है 1 से या फिर 1.5 mm से हिल रही है, आप देख सकते हो, यानी कि इसकी बुशिंग ख़राब है, ये जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए बाल के बराबर भी। अभी अगले देखते हैं, तो ये भी हिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि इस मोटर की बुशिंग जा चुकी है 100%। फिर भी हम इस रोटर को बाहर निकाल के दिखाएँगे आपको कि इसकी बुशिंग किस तरह जा चुके हैं।
तो ये तो हिल रहा है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो साइन गार्ड के पास। कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन इसकी बुशिंग जा चुकी है। तो अभी इसको हम बाहर निकालते हैं रोटर को। अभी हमने रोटर को बाहर निकाल दिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप दिखाई दे रहा है, सामने वाला बहुत ही गैप दिखाई दे रहा है, इतना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और पीछे का देखते हैं तो ये पीछे का भी देखिए यहाँ पे हिल रहा है। हम सेम पहले रोटर जैसा, पहला रोटर का बहुत ज़्यादा गैप था, अभी इसका थोड़ा सा कम है लेकिन इसकी बुशिंग ख़राब हो चुकी है, अब इसको हमें चेंज करवाना पड़ेगा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं पनडुब्बी का। अब मुझे लगता है शायद इस मोटर के बुशिंग जा चुके हैं, तो अभी इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर के बुशिंग की क्या हालत हुई है। हमारे पास ये 7.5 HP की पनडुब्बी है, आप देख सकते हो, और ये इसकी हाउजिंग है, ये रोटर, यहाँ पे बी रिंग और यहाँ पर भी नीचे बी रिंग है। तो अब हम इसके बुश चेक करेंगे और आपको दिखाते हैं किस तरह पहचानेंगे हम बुश जा चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो ये जो बुश है, ये जो हाउजिंग है, यहाँ पे देख सकते हो आप पुरानी बुश है इसके अंदर, और ये जो है स्टील का बुश लगा हुआ है इसके ऊपर, शाफ्ट है ये रोटर का और एल्यूमिनियम का रोटर है, ठीक है। और इसकी जो बी रिंग है वो टेफ्लॉन टेप की है। अब ये जो है हम इसके ऊपर बैठा के देखेंगे तो ये बुशिंग जा चुकी है या नहीं, तो ये ऐसे हिल रहा है, यानी कि 80% दोस्तों इसका बुशिंग जा चुका है, ये जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए, जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए, बाल के बराबर भी। अगर हम नए बुशिंग लगाएंगे तो ये जरा सा भी नहीं हिलेगा, हमारे बाल के बराबर भी नहीं हिलेगा ये, तो अभी हिल रहा है, तो 80% इसकी बुशिंग जा चुकी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में यहाँ पे, तो ये देखिए सामने वाली जो बुश है यहाँ पे ज्यादा, इस बीरिंग पे ज्यादा से ज्यादा लोड रहता है, तो ये देखेंगे हिला के तो ये भी हिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 60% बुशिंग जा चुके हैं, यानी कि दोस्तों टोटल इसकी बुशिंग फेल हो चुके हैं, तो हमें इसको नए बुशिंग लगाने ही होंगे। और आपको मैं शाफ्ट के पास ले जाके दिखाता हूँ, तो इसके ऊपर से कुछ क्रैचेस गिर चुके हैं जो कि ये खराब हो चुका है, और बुशिंग के अंदर भी क्रैचेस गिर चुके हैं, आप देख सकते हो, तो ये बुशिंग टोटल खराब हो चुका है, तो इसको निकालना होगा, लेथ मशीन के ऊपर बुशिंग इसको लगाना होगा। तो ये रहा हमारा पनडुब्बी, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसके अंदर हम स्टेटर डालेंगे इस मोटर का, अब आप देख लीजिएगा स्टेटर के और रोटर के अंदर कितना गैप है, आप देख लीजिएगा, ये स्टेटर है यहाँ का, ये स्टेटर है, हमने ये स्लॉट है यहाँ पे हम वाइंडिंग करेंगे, और ये रोटर है। तो इस रोटर, इस स्टेटर के और इस रोटर के बारे में कितना गैप है आप देख सकते हो, तो इसमें इतना भी गैप नहीं कि एक चीटी होती ना वो चीटी इधर से उधर जाए, जब हम वाइंडिंग करेंगे तो चीटी भी इधर से उधर नहीं जाएगी, तो इतना कम गैप है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हिला के देखते हैं, ये देखिए ये स्टेटर को घिस रहा है रोटर, बहुत ही कम अंतर है रोटर और स्टेटर के बीच में, तो इसीलिए इसको बीचों बीच रखना बहुत ही जरूरी होता है, और वो काम बुशिंग का होता है, वो इस बुशिंग का काम होता है, ये भी जो है पीतल की बुश है, तो इसका काम ये होता है कि रोटर को इधर भी नहीं घिसना चाहिए और इधर भी नहीं, इसको बीचे बीच रख देना है, यही काम होता है इसका। तो इसकी ये रोटर जो है स्टेटर को अभी तक घिसा नहीं, लेकिन अभी 20% बुशिंग रह चुके हैं तो घिस जाएगा, ठीक है। तो इसके घिसने के अवली हमें तो इसकी बुशिंग लगा लेनी चाहिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पर का गैप, तो इतना कम गैप जो है इस मोटर के और स्टेटर के बीच में, सॉरी इतना जो कम गैप है वो इस रोटर के और इस स्टेटर के बीच में रहता है, इसलिए इसकी जो बुशिंग है वो थोड़ी सी भी नहीं जानी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी जा चुकी हो 50% भी, तो इसको रिपेयर कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो हमें इसका और भी खर्च उठाना पड़ेगा। ये जो स्टेटर होते हैं वाइंडिंग के, तो ये भी ख़राब हो जाते हैं, ये जो रोटर है तो ये स्टेटर के बीच इस तरह घूम जाता है, ये स्टेटर के बीचों बीच घूम जाता है, तो ये घूमने के कारण बुशिंग ज़्यादा जाने के कारण यह स्टेटर को घिस भी सकता है, तो ये स्टेटर भी खराब हो सकते हैं। ये जो है इसको इतना कम गैप क्यों दिया है यहाँ पे रोटर के और स्टेटर के बीच में, क्योंकि जितना अगर हम गैप कम देंगे, ज़्यादा ज़्यादा गैप देंगे, तो उतना ये मैग्नेट कम करेगा और रोटर धीमे से घूमेगा और मोटर को अधिक ताकत लगेगी इस रोटर को घुमाने में, इसलिए इसको कम से कम यहाँ पर गैप दिया है, ताकि जड़ से मैग्नेटिक फील्ड जितना
यहाँ पे क्रिएट होगा वो उतना ही जोर से उसको रोटर को घुमाए, ठीक है। और ये टोटल घिस चुका है आप देख सकते हो अंदर से। अब बात करते हैं इसमें नए बुश कैसे लगाते हैं। अभी जो आप देख रहे हो पुराना बुश निकाल के इसमें नया बुश लगाया जाता है जो कि ओवर साइज होता है, और उसको आप देख सकते हो सामने जो लेथ मशीन चालू है इसके ऊपर इसको टर्निंग किया जाता है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से इसको कट निकाला जाता है, तो हमारा जो ये बुशिंग का प्रोसेस है पूरा हो जाता है। ये आपको आपके नज़दीकी शहर में आपको कहीं पर भी मशीन मिल जाए। तो हमने इस मशीन पे इसकी बुश लगा दिए हैं नए, आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जो कि पहला बहुत सारा प्ले आ रहा था इसके अंदर, अब बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये रहा है नया बुश। किसी कंडीशन में हमें रेडीमेड भी बुश मिल जाते हैं और किसी वक्त हमें लगाना पड़ता है रोटर के हिसाब से। तो ये हमने दोनों भी बुश नए इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, आप देख सकते हो इसको बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से इसको किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी हाउसिंग हिला लें लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और हमने इसके ऊपर स्टेटर भी फिक्स कर दिया, ये बहुत ही अच्छी तरह से रोटर बैठ चुका है आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हमें बुश लगाने की कब ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्या इफेक्ट होता है कि मोटर के बुश ख़राब हो जाए तो मोटर में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे अगर मोटर की बुश ख़राब होती है तो मोटर की केबल गर्म होने लगती है, मोटर का स्टार्टर ट्रिप होने लगता है, या फिर वायर जलने लगती है, या फिर ज्वाइंट जल जाते हैं, या फिर हमेशा फेज कट जाता है। कुछ भी हो मोटर ज़्यादा करंट लेने स्टार्ट हो जाती है तो तभी हमें पहचान लेते हैं कि मोटर के हो सकता है या बुश या फिर बेयरिंग जा चुका है। बुश ख़राब हो जाए तो क्या हो जाएगा, रोटर स्टेटर को घिसने लगेगा या फिर मैग्नेट में थोड़ा सा बदलाव आएगा। एम्पियर में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा लेकिन हमारे नॉर्मल मोटर के अंदर 5 या 10 से एम्पियर बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी अगर मोटर 12 एम्पियर ले रही होगी तो हमारी मोटर बुशिंग जाने के बाद लेगी एम्पियर 20, तो ये प्रॉब्लम नए बुश डालने की वजह से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही मोटर वाइंडिंग की वीडियो हम हमेशा ले आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।